हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू रेडी। तो चलो आज का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के नया पोर्शन मतलब अपोजिट पेयर वार्ड कोडिंग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अपोजिट पेयर याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अपोजिट पेयर क्या होता है वो भी बताऊंगा और एक एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा। तो जो लोग अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो स्टार्टिंग क्या है कि ए का अपोजिट मतलब क्या होता है। ए का अपोजिट मतलब ए होता है स्टार्टिंग से वन, और अपोजिट आप देखोगे तो जेड होता है स्टार्टिंग से एंडिंग से वन। तो ए का अगर अपोजिट देखोगे तो ये होगा जेड, बी का क्या होगा वाई, सी का होगा एक्स, डी का क्या होगा डब्ल्यू। सो एंड ई का क्या होगा वी होगा। इन सिमिलर वे एक्स का क्या होगा सी होगा, वाई का क्या होगा डी होगा, जेड का क्या होगा ए होगा। तो मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने पूरा नहीं किया, पर आप लोगों को पूरा ही लिखना है तभी आपको समझ में आएगा कि बी का अपोजिट पेयर क्या होता है, सी का अपोजिट पेयर क्या होता है, डी का अपोजिट पेयर क्या होता है, ठीक ना। तो एक एग्जांपल के साथ ही देख लेते हैं इसी का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि इफ सी ए एल एम इज रिटर्न एज एक्स जेड ओ एन, ठीक ना। तो सी ए एल एम रिटर्न एज एक्स जेड ओ एन, तो एंड फाइंड जे ए सी के ए एल। तो आपको जो निकालना है वो है जे ए सी के ए एल। तो ये तो वो लोग बोले ही है कि सी एक्स होगा, ए जेड होगा, एल ओ होगा, एन एन होगा। आप बताओ सी का ऑपोजिट पेयर क्या होगा। सी का ऑपोजिट पेयर क्या है एक्स, ए का ऑपोजिट पेयर क्या है जेड, एल मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं पर आपको पता खुद कर लो कि ए टू जेड तक लिख लो, उसका ऑपोजिट पेयर लिख लो, तो कौन किसका ऑपोजिट क्या है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है वो कैसे निकालो। तो इन सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ से ए तो जेड है ऑलरेडी और सी एक्स है ऑलरेडी, ये नहीं है, फिर ए है जो जेड है, जो यहाँ पे मैंने ये बॉक्स पे नहीं दिया, और यहाँ पे ओ है, एल बोला है ओ है, तो एल ओ है। तो यहाँ से जो जो मुझे लेना था वो मैंने ले लिया है। किसका किसका नहीं पता, के का नहीं पता, जे का नहीं पता, मतलब इस बॉक्स से तुम देखोगे तो मिल जाएगा पर जो दिया हुआ है उससे नहीं मिला। अब क्या करेंगे देखो, अगर तुम देखोगे तो एंड में ओ किसका है, एक ही है, ए है, और ए उसके उससे पहले जेड है, तो वो ये है, और तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है कि यही सही आंसर हो, ठीक ना, क्योंकि ए जेड है मतलब दूसरा जेड है वो भी सही है, सी एक्स है ये भी सही है, पर तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जे का ऑप्शन क्यू सही है कि नहीं और के का पी सही है कि नहीं। तो ये दोनों अगर आप डिसाइड करोगे, अगर इस टेबल से आप देख लोगे तो पता चल जाएगा कि यही सही आंसर है। तो इसका भी क्वेश्चन में बहुत आता है, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।